गाइस, अगर आप भी अपनी हाइट को 2 से 3 इंच लंबा करना चाहते हैं तो आज का मेरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और फॉलो जरूर करिएगा। जब हम हाइट के बारे में सुनते हैं और हम बहुत छोटे हाइट के होते हैं तो एक अलग सा सपना हमारे माइंड में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। जब दूसरों को हम लंबा देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत घटता चला जाता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर आफ्टर मैरिज की लाइफ हो। तो हमें लगता है कि सामने वाला कितना पर्सनालिटी अच्छी है, उसकी हाइट है, एक अलग सा ही उसका रोब दिख रहा है। और कम हाइट वाले जो ये चीज़ें फील कर पाते हैं वो उनको ही पता होगा। तो देखिए, आप अपने कॉन्फिडेंस को अंदर से पहले बिल्डअप करिए। बोलती हूँ मैं भी आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर भगवान जी ने जो चीज़ दी है उसमें हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। बहुत लोग भी आपको ये सलाह देते हैं, लेकिन जब हम दूसरे लोगों के ताने सुनते हैं, उनको देखते हैं कि जो बड़े हाइट के, तो हमारे मन में एक अलग सी हीन भावना आने लगती है। ये बात भी सच है कि हाइट जो होती है वो 18 साल तक बढ़ सकती है, उसके बाद वो रुक सी जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको आप 18 साल के बाद फॉलो करके अपनी हाइट में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। जिसमें सबसे पहले आता है हमारी बॉडी का एक अच्छा पोस्चर, खड़े होने का सही तरीका, लेटने का सही तरीका और बैठने का सही तरीका। सही तरीका क्या है? आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। बहुत लोग लंबे होते हुए भी इस तरह से झुककर चलते हैं, जिससे वो कम हाइट के लगते हैं, और कम हाइट वाले भी इस तरह से बेंड करके अपने शोल्डर को चलते हैं, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा मुड़ी हुई रहती है और वो ग्रो करना बंद कर देती है। तो सबसे पहले आपको एकदम अपने कंधों को पीछे की तरफ, छाती को आगे की तरफ निकालकर एक अच्छे पोस्चर से आपको चलना है। दूसरा तरीका, जब भी आप सोते हैं तो आपको पीठ के बल सोना है। पीठ के बल, अगर आपको रात को नींद में छाती के बल सोने की आदत है तो धीरे धीरे अपनी इस हैबिट को चेंज करिए। या आप साइड के बल सोते हैं तो भी आप अपनी इस हैबिट को चेंज करिए, क्योंकि जब आप पीठ के बल सोते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, स्ट्रेचिंग होती है आपकी बॉडी में और आपकी ग्रोथ जो है हाइट की वो अच्छी होती है। तो आपने क्या करना है, जब भी सुबह उठना है पंजों के बल आना है, अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच देना है, जिससे आपका पोस्चर बहुत अच्छा होगा और आपकी हाइट इंक्रीज में आपको हेल्प मिलेगी। एक और चीज आपने ध्यान देनी है कि जब भी आप सोएं तो हमेशा लूज कपड़े पहने, या कोई भी जब भी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लटक रहे हैं, तो हमेशा खुले कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, या फिर जो जिम वेयर्स होते हैं स्पेशली वही पहने, क्योंकि जिससे आपकी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो सके। आप ज्यादा फिटिंग के जब क्लोथ पहनते हैं तो आपकी बॉडी खुल नहीं पाती, ग्रो नहीं कर पाती। और ऐसा कहा गया है, माना जाता है कि आयुर्वेद में भी, कि जब हम सोते हैं तो जिस बॉडी पार्ट पे हम अपने काम कर रहे होते हैं उस टाइम अगर हम लूज क्लोथ पहनते हैं तो हमारी बॉडी इंटरनली उस चीज पर काम करती है, आपकी हार्मोन्स उसी तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। सबसे पहले आती है हैंगिंग, यानी लटकना। लटकना एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी ग्रोथ को, यानी आपकी हाइट को बहुत अच्छे से ग्रो करती है। आपके से हार्मोन्स डेवलप होते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और आपकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ आपको रोजाना अपनी जिंदगी में, जिनकी हाइट कम है या जो अपनी हाइट को लंबा करना चाहते हैं, तो उनको हमेशा एक बैलेंस डाइट लेनी है, ताकि उनके शरीर में किसी भी न्यूट्रिशंस की कमी ना रहे। उनको अपनी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा इंटेक करना है, इसके लिए वो पनीर ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, दूध को ज्यादा इंटेक कर सकते हैं, और प्रोटीन भी आपको अच्छी मात्रा में लेना है। और हमेशा आपको कुछ ना कुछ वर्कआउट जरूर करना है रोजाना। कोई भी दिन अगर आप मिस करेंगे तो इससे आपकी बॉडी स्ट्रेच नहीं होगी, आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो आपके हार्मोन्स को अच्छे से रिलीज करती है, आपकी हाइट बढ़ाती है, आपके बैलेंस को, यानी आपकी बॉडी वेट को भी मेंटेन करती है। तो इसके लिए एक आप हेल्दी डाइट लें। जो आजकल की यंग जनरेशन है उनकी हाइट सबसे ज़्यादा छोटी क्यों हो रही है? क्योंकि वो बैलेंस डाइट ना लेकर बल्कि बाहर का जंक फूड खाते हैं, और जब आप जंक फूड खाएंगे तो आपका पेट भी भर जाएगा, आप कोई हेल्दी डाइट भी नहीं ले पाएंगे और आपके हार्मोन्स भी डेवलप होना बंद कर देते हैं। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको सूर्य नमस्कार अपने रोजाना जिंदगी में शामिल करना है। सूर्य नमस्कार में जितनी भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं, जितने भी पोस्चर्स होते हैं, वो सारे हमारी बॉडी के जो होते हैं स्ट्रेचिंग वाले होते हैं, जो आपको हाइट बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं और भी आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सूर्य नमस्कार कैसे करना है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। आप वहां पे जाके उसको फॉलो करें, रोजाना करें, इससे आपकी बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग होगी और आपकी हाइट जल्दी ग्रो करेगी। और अब मैं बताने वाली हूँ एक प्रेशर पॉइंट को प्रेशराइज आपको रोजाना करना है। आपको इस अंगूठे को इस साइड से इस तरह से प्रेशर देना है। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारा जो हाथ होता है उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पूरे हमारे ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं, तो अगर आप इन पे प्रेशर देते हैं तो आपके उस पॉइंट पे, यानी उस ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ने लगता है और आपकी वो चीज़ अच्छी होने लगती है। ये आप अगर इस पॉइंट पे प्रेशर देते हैं तो इससे आपकी हाइट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है।
ऐसा आपको 20 बार करना है और कम से कम दिन में आप इसको 3 से 4 दफा रिपीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीधा लेटना है, अपनी बॉडी को पूरा लेट कर स्ट्रेच देना है। ऐसा आप दिन में 3 से 4 दफा कर सकते हैं। इससे भी आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है और आपकी हाइट बढ़ने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। अपने हाथों को पूरा प्रेशर से आगे खींचिए और नीचे के पोर्शन को यानी टांगों को बिल्कुल पीछे की तरफ खींच कर रखिए। अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए। कम से कम 2 से 3 मिनट तक अपनी बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच करें और फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। देन उसको अगेन दोबारा करें, कम से कम 10 से 12 बार करें एक दिन में। इसके बाद अब आप सीधा खड़े हो जाइए। उसके बाद अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर लेके जाइए, हाथों को इस तरह से ज्वाइन करिए, अपने पंजों पर आ जाइए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए। पोजीशन होल्ड करिए कुछ सेकंड्स के लिए, देन उसके बाद रिलैक्स हो जाइए। 10 से 12 बार आपको ऐसे करना है। इसके लिए आपको अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, बॉडी की पोजीशन आप ये ले लीजिए। ये भी आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करती है। तो गाइज, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो जमकर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस इस वजह से लो होता है, तो डेफिनेटली वो भी इसको फॉलो करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ पाएगा, उनकी हाइट बढ़ पाएगी। तो दूसरों की हेल्प ज़रूर करिएगा इस वीडियो को शेयर करके। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ऐसे ही खूबसूरत प्यार देते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।